नमस्ते दोस्तों, हम आज कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में जी रहे हैं, किंतु अब हमें इस महामारी के सबसे गंभीर दुष्परिणामों में से एक ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के केसेस मिलने लगे हैं। यह एक तरह का फंगस होता है जो कोविड के मरीजों के नाक में पनपता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड की इस दूसरी लहर में गंभीर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारे मरीजों को आईसीयू में इलाज करवाना पड़ा, एवं इस दूसरी लहर में बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको डायबिटीज़ था तथा ऐसे मरीजों को स्टीरॉयड भी देना पड़ा। उसके दुष्परिणाम के स्वरूप अब हमारे सामने म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के केसेस आने लगे हैं। राजनांदगांव जैसे छोटे शहर में भी अब ये केस मिलने लगे हैं। म्यूकरमाइकोसिस बहुत आसानी से शुरुआती अवस्था में ही रोका जा सकता है। कुछ सामान्य जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे नाक बंद बंद लगना, नाक से सर्दी जैसा बहना, चेहरे के ऊपर दर्द होना, ऊपरी जबड़े में दर्द होना या आंखें बंद नहीं होना या आंखों में ज़्यादा दर्द होना, यह हमारे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बहुत शुरुआती लक्षण हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे पास में बहुत सारी जानकारी नेट पर उपलब्ध है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसकी संबंधित जानकारी को नेट पर देखने पर घबराएं नहीं। हाँ, ये सच है कि यह फंगस बहुत तेज़ी से नाक के रास्ते से आँख को, ब्रेन को और तालू के ऊपरी हिस्से को अपने आप में समेट लेता है, किंतु हर केसेस में इतना बुरा प्रभाव नहीं होता है। यदि आप बहुत जल्दी अपने निकटस्थ चिकित्सक हैं उनसे चर्चा करें और इसका इलाज चालू करें। मेरा आपसे अनुरोध है, बार बार अपने नाक में उंगली ना डालें, उसकी पपड़ी निकालने का प्रयास न करें, उससे नाक छिल जाता है और यह एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, मौका मिलते ही पनपने वाला इन्फेक्शन है, हमारी सुरक्षा तंत्र के कमज़ोर पड़ने के पनपने वाला इन्फेक्शन है, जिसको आप बढ़ने से रोक सकते हैं। जो मरीज नेबुलाइज करते हैं उन्हें बार बार सामान्य पानी से गरारा करना चाहिए। अस्थमा के मरीज जो पंप लेते हैं उन्हें भी सामान्य पानी से गरारा करना चाहिए। चिकित्सीय सलाह से नाक की सफाई हेतु विभिन्न तरह के नाक के ड्रॉप्स का प्रयोग करना चाहिए। बाजार में मिलने वाली दवाइयां, अपने मन से लेने वाली दवाइयों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। इस ब्लैक फंगस को लेकर के आप लोगों को सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लेकिन बेवजह अपने मन में घबराहट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, इससे डरे नहीं, सावधानी बरतें। धन्यवाद।